जंगल में एक जीव रहता क्या, हजारों जीव रहता, आप बताइए। उसी तरह से एनडीए पार्टी है, एनडीए पार्टी में सिर्फ इन्हीं दोनों को नहीं बुलाया गया, 31 लोगों को बुलाया गया और अभी और चिट्ठी जारी हो रहा है। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में एनडीए भी हो यूपीए गठबंधन भी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसमें इन लोगों को बुलाया गया है। अब बुलाने से कुछ नहीं होगा, इनका जो डिमांड है वो डिमांड का क्या होगा। अब वो कहते हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर में आपका क्या है। जब पासवान जी जीवित थे, पासवान जी ने कहा था कि चिराग तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो, उसमें उसने रिफ्यूजल दे दिया। पासवान जी ने उनको बोला, कहा कि पारस तुम हाजीपुर की जनता के सेवक, जिस सेवन से आज तक सेवा करते हो, तुम जानते हो हाजीपुर का नक्श क्या है, तुम पर मेरा विश्वास है, उतना विश्वास चिराग पासवान पर नहीं है। चिराग पासवान मेरा बेटा जरूर है, उतना विश्वास नहीं है जितना तुम पर विश्वास है, और तुम ही मेरा भविष्य का उत्तराधिकारी हो गए, फिर तुम चुनाव लड़ो। और मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता भी। जंगल में एक जीव रहता क्या, हजारों जीव रहता, आप बताइए। उसी तरह से एनडीए पार्टी है, एनडीए पार्टी में सिर्फ इन्हीं दोनों को नहीं बुलाया गया, 31 लोगों को बुलाया गया और अभी और चिट्ठी जारी हो रहा है। ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में एनडीए भी हो यूपीए गठबंधन भी हो अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसमें इन लोगों को बुलाया गया है। अब बुलाने से कुछ नहीं होगा, इनका जो डिमांड है वो डिमांड का क्या होगा। अब वो कहते हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर में आपका क्या है। जब पासवान जी जीवित थे, पासवान जी ने कहा था कि चिराग तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो, उसमें उसने रिफ्यूजल दे दिया। पासवान जी ने उनको बोला, कहा कि पारस तुम हाजीपुर की जनता के सेवक, जिस सेवन से आज तक सेवा करते हो, तुम जानते हो हाजीपुर का नक्श क्या है, तुम पर मेरा विश्वास है, उतना विश्वास चिराग पासवान पर नहीं है। चिराग पासवान मेरा बेटा जरूर है, उतना विश्वास नहीं है जितना तुम पर विश्वास है, और तुम ही मेरा भविष्य का उत्तराधिकारी हो गए, फिर तुम चुनाव लड़ो। और मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता भी। बुलाया तो गया उनको, बुलाया गया सबको, बुलाया गया। मैंने आपको क्या कहा, जंगल में सब सभी तरह का जीव रहता है, आप इशारा में समझिए। जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया, बहुत से लोगों को बुलाया गया, बुलाने से क्या होगा। आपका जो डिमांड है, जो डिमांड आपका फुलफिल होगा तब तो। सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि चिराग पासवान जी को पूछिए कि वो एनडीए गठबंधन में है कि यूपीए गठबंधन में। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ ने उसने यहीं राघोपुर में उम्मीदवार दिया, ये लालगंज में उम्मीदवार दिया चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ, और आरजेडी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। और दो वर्षों के अंदर में आज तक, आप प्रेस मीडिया के साथी हैं, आज तक भी उस व्यक्ति ने किसी दिन लालू प्रसाद यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी के नाम का विरोध नहीं किया, बल्कि ये कहा कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे गार्जियन है और तेजस्वी मेरा छोटा भाई। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। कुछ ऐसा परिस्थिति बनेगा तब क्या कीजिएगा, क्या करेंगे। पंजाबी कहेगा कि नहीं आप दूसरे जगह शिफ्ट कीजिए, वो कौन होता है करने वाला, वो कहने वाला कौन होता है, नौ में है न छ में है, जाना है जाए जमुई लड़े लाठीचार्ज। हाजीपुर ही नहीं, हाजीपुर से तो हम लड़ेंगे ही। हमारा जो 5 सांसद है, जो हमारा सिटिंग है, एक बात जान लीजिए, गठबंधन धर्म का ये पालन होता है, सिटिंग गेटिंग होता है, सिटिंग गो, सिटिंग का टिकट नहीं काटा जाता है। हमारा जो 5 सांसद हैं, 5 सांसद एनडीए।